बहुत जगह निकल रही है एक जगह पर मतलब उसमें आप कहेंगे निशान आ गया था, फट जैसा गया था, तो उसमें अभ्यर्थियों ने आपत्ति व्यक्त की। तो फिर हम लोगों ने उनको समझाया और समझा करके फिर सब लोगों को सारी बातें बताई गई और फिर वो लोग एग्री हो गए। सब लोग अभी शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम भी दे रहे हैं। और पटना में BPSC के द्वारा आज सेकेंडरी स्कूल के जो हेडमास्टर की प्रतियोगिता परीक्षा है वह रिटर्न के रूप में लिया जा रहा है। ऐसे में हमारी मौजूदगी अभी रेसिडेंस इंटरनेशनल स्कूल पर, जहां आपसे थोड़ी देर पहले ही विद्यार्थी थे, उनके द्वारा हंगामा किया गया है। कारण बताया गया है कि जो प्रश्न पत्र आया था उसका पैकेट फटा हुआ था। वहीं इस बात की भनक जैसे ही मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन और मुजफ्फरपुर पुलिस को लगी, आनन फानन में मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और अभी भी इस स्कूल के अंदर जो है मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी और मुजफ्फरपुर SSP मौजूद हैं। आपको बता दें कि हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर तकरीबन 2 घंटे लेट से BPSC की परीक्षा जो है वह शुरू हुई है, लेकिन तमाम बातों के बीच आपको बता दें कि एक बार अभी नीट का मामला थमा नहीं है। ऐसे में एक बार फिर BPSC परीक्षा को लेकर जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा हंगामा किया गया है। तस्वीरों के माध्यम से दिखा दें कि इस परीक्षा केंद्र पर तकरीबन 500 परीक्षार्थी जो है वह अभी परीक्षा दे रहे हैं और 2 घंटे लेट से परीक्षा शुरू हुआ है। ऐसे में तमाम जांच के बाद जो है मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी सुब्रत सिंह मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि BPSC की परीक्षा दे रहे छात्रों को यह संदेह हो गया था कि प्रश्न पत्र का जो पैकेट आया था वह एयर के कारण फटा हुआ था, लेकिन विद्यार्थियों को ऐसा लगा कि वह प्रश्न पत्र लीक हो गया है, जिस कारण विद्यार्थियों के द्वारा हंगामा किया गया था। मौके पर पहुंचा गया है, मामले की जाँच की है। फिलहाल सभी विद्यार्थी परीक्षा देने को बैठ गए हैं। वहीं 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जो टीम शाम तक जो है पूरे मामले की जाँच कर और जाँच रिपोर्ट देगी, जिसके बाद पूरे मामले से BPSC को अवगत कराया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि BPSC की परीक्षा में एक बार फिर से विद्यार्थियों के द्वारा जो है परीक्षार्थियों के द्वारा जो है वह हंगामा किया गया है। संदेह उनको यह था कि प्रश्न पत्र का लीक कर दिया गया है, जिसको लेकर हंगामा हुआ, लेकिन जैसे ही इसकी भनक जो है मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन और मुजफ्फरपुर पुलिस को लगी, आनन फानन में मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी और मुजफ्फरपुर SSP राकेश कुमार मौके पर पहुंचे और मामले को समझा बुझाकर परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र बैठाया है, जहां 2 घंटे लेट से BPSC की परीक्षा शुरू हुई है और फिलहाल परीक्षार्थी जो है वह अपना परीक्षा। क्या मामला पत्र यहाँ कुछ कंफ्यूजन हो गया कैंडिडेट्स को, और जैसे अभी हम लोग ऐसे जो प्रिलिमिनरी तौर पे जो अभी जांच करवाए हैं SDO SDPO और ADM 3 लोग इसमें जांच करके शाम तक रिपोर्ट देंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे पैकेट में जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें शायद एयर वगैरह भर गया था, हवा भर जाने के कारण थोड़ा सा वो एक जगह पर मतलब उसमें आप कहेंगे कि निशान आ गया था, फट जैसा गया था, तो इसमें अभ्यर्थियों ने आपत्ति व्यक्त की। तो फिर हम लोगों ने उनको समझाया और समझा करके फिर सब लोगों को सारी बातें बताई गई और फिर वो लोग एग्री हो गए। सब लोग अभी शांतिपूर्ण तरीके से एग्ज़ाम भी दे रहे हैं और एक 3 सदस्यीय समिति बनी हुई है, जिसमें SDO हैं, SDPO हैं और अपर समाहर्ता हैं। तो तीनों लोग आज शाम तक रिपोर्ट भी दे देंगे, इसको हम लोग BPSC को कम्युनिकेट भी कर देंगे। तो कुछ कन्फ्यूज़न के कारण जो है यहाँ पर थोड़ी सी अफरा तफरी की स्थिति हो गई थी, तो हम लोग समय से आ गए थे और हम लोगों ने एक्स्ट्रा टाइम भी कैंडिडेट को दे दिया है। BPSC के चेयरमैन सर से भी बात हुई थी, तो जितना समय उनका नुकसान हुआ है वो अतिरिक्त समय हम लोगों ने दे दिया है और सब लोग शांति से भी परीक्षा। कितना लेट परीक्षा सर शुरू हुआ फिर? मेरे ख्याल से एक कितने बजे? 2:15 बजे। हाँ, दो मतलब इस 1.5 घंटे का विलंब हुआ है एग्जाम। सर आपको खुद जांच की है, क्या स्थिति था पैकेट? अभी जो अभी कमेटी एक बनी हुई है और जैसा अभी बताया है SDO साहब ने कि वीडियोग्राफी है, जब बक्सा आया है उसमें अब लॉक लगा रहता है, सील रहता है, सबकी वीडियोग्राफी है, CCTV कैमरा है, यहाँ जैमर लगा हुआ है। जैसे हम लोगों का भी फ़ोन जो है यहाँ आने के बाद ही काम कर रहा है, उधर जहाँ सेंटर है वहाँ पर बिल्कुल फ़ोन भी नहीं काम कर रहा है और हर एक जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम देने के लिए बोला गया, उनको सारी चीज़ जो है बताई गई, वो लोग एग्ज़ाम भी दे रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से और जो भी रिपोर्ट आएगी उसको हम लोग शाम तक जो है कम्युनिकेट कर देंगे। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है जिस जो कि बहुत चिंताजनक हो। इसमें कंफ्यूजन बेसिकली हो गया था और सही तरीके से जो यहाँ पर पदाधिकारी कर्मी थे वो लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उसमें थोड़ी सी अव्यवस्था की स्थिति हुई। परीक्षार्थियों में असंतोष जो है वो आ गया, तो क्या वो परीक्षा देने के लिए राजी थे? सब लोग दे रहे हैं परीक्षा, आप लोग देख रहे हैं ना, तो उनका थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि जो है क्यों ये पेपर जो है यहाँ पर मतलब उसका जो कवर है वो बाहर का कवर थोड़ा सा फटा हुआ है, तो उसको हम लोगों ने दिखा दिया, वीडियोग्राफी हुई है, हम लोगों ने भी जो बात बताई है उसकी भी वीडियोग्राफी हुई है। एक 3 सदस्यीय समिति बन गई है, उस समिति की रिपोर्ट हम लोग BPSC में भेज देंगे।
तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा आप लोग देख रहे हैं, मैंने बताया कि एक एक की फ्रिस्किंग हुई है, जैमर लगा हुआ है। इवन हम लोगों का फ़ोन भी जो है वहाँ अंदर में, जब हम लोग जहाँ सेंटर अंदर वाले बिल्डिंग में है, वहाँ जो है हम लोगों का फ़ोन भी नहीं काम कर रहा है। तो मतलब जो बीपीएससी का डायरेक्शन है उसको हम लोगों ने फॉलो करने का, सारे सेंटर पर, न सिर्फ उस सेंटर पर, सारे सेंटर पर हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। कमिटी की रिपोर्ट आ जाती है, उसको हम लोग देर शाम तक जो है बीपीएससी को भेज देंगे। और परीक्षार्थी भी संतुष्ट हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। थोड़ा बहुत उनका था तो उनको समझा दिया गया है, वो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं।